1985, आगरा से 17 किलोमीटर दूर बाड़ गांव में तोरण सिंह उर्फ टीटू अभी 2 साल का भी नहीं हुआ था कि उसने साफ साफ बोलना शुरू कर दिया था। टीटू सबसे छोटा बालक है मेरा। सुनने में तो ये हर माँ बाप के लिए खुशी की बात होती है कि उनका बच्चा बोलने लग जाए, बट टीटू के केस में ये क्वालिटी उसके पेरेंट्स के लिए खुशी से ज्यादा चिंता का कारण बन गई थी। नीटू जब 2 साल का हुआ तो अजीब तरह की बातें करने लगा था। मेरे पिताजी से कहना कि वो मेरी बीवी और बच्चों का ध्यान रखे क्योंकि मुझे यहाँ खाना मिल रहा है लेकिन मुझे उनकी फिक्र हो रही है। जब टीटू की माँ ने पूछा कि वो किसकी बात कर रहा है तो उसने जवाब दिया कि वो अपने असली परिवार की बात कर रहा है जो इस वक्त आगरा में है। वो बार बार अपने पेरेंट्स से कहता कि तुम लोग मेरे असली माँ बाप नहीं हो और मेरे असली माता पिता आगरा में है। वो अचानक रोना शुरू कर देता, अपनी माँ से कहता कि मैं बस यूं ही आ गया हूँ और मुझे अपने असली घर जाना है, मुझे वहाँ की बहुत याद आ रही है। हम पूछते थे कि हम कौन है तो ये बताता था कि हम तुम्हारे घर के नहीं है। शुरुआत में तो उसे सबने बच्चा समझकर इग्नोर किया, जो ऑब्वियसली हर कोई करेगा, एंड इसे एक बच्चे की इमेजिनेशन समझा। 1988, 3 साल बीत गए। 5 साल के टीटू ने अब जो बातें और हरकतें करनी शुरू की उसने माँ बाप को गहरी चिंता में डाल दिया। एक दिन टीटू बोला कि उसका असली नाम सुरेश वर्मा है और उसकी बीवी उमा से उसको 2 बेटे हैं जिनका नाम रोमू और सोमू है। मेरी बहू का नाम उमा है, मेरे पापा जी का नाम चंदा भारती है। उसका आगरा में एक बंगला है और सदर बाजार में सुरेश रेडियोज नाम से दुकान भी है। की दुकान है वो मेरी। और इतना ही नहीं, उसने बताया कि कैसे शाम को अपनी कार से घर लौटते वक्त 2 आदमियों ने उसे आकर सर पर गोली मार दी थी जिससे उसकी ऑन स्पॉट मौत हो गई थी। कभी कहता है मेरे गोली मारी, कभी कहता है मेरे माता पिता तुम नहीं हो। उसने ये भी बताया कि कैसे उसका अंतिम संस्कार किया गया। कभी कहता है मुझे हॉस्पिटल ले जाने के बाद मैं शमशान भूमि ले गए। पिछले 3 सालों से घर वाले वैसे भी उसकी उल्टी सीधी बातें सुनते आ रहे थे लेकिन इस तरह की बात उसने पहली बार की थी। शमशान भूमि में आग लगा दी और पानी डाल के मुझे यमुना में फेंक दिया। एक 5 साल का बच्चा अपने बीवी और बच्चे होने की बात करने लगे और ये बताने लगे कि कैसे पिछले जन्म में उसकी मौत हुई थी तो आपके मन में क्या आएगा। फिलहाल ये खबर पूरे गांव में फैल गई और वहां सबको एक ही बात लग रही थी और वो ये थी कि टीटू के ऊपर भूत आ गया है। भूत प्रेत की थ्योरी तो वैसे भी हमारे देश के गांव में सबसे पहले आ जाती है, इसलिए टीटू के केस में भी वही हुआ। टीटू का नेचर अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा अलग हो गया था वो भले ही 5 साल का लेकिन उसकी भाषा शैली, लहजा, हाव भाव और बोलने का तरीका बड़ों जैसा हो गया था। वो अपने माँ बाप की गरीबी का मजाक उड़ाने लगा। वो अपनी माँ से कहता कि मेरी बीवी तुम्हारी तरह ऐसी फटी पुरानी साड़ी नहीं पहनती। मम्मी मेरी उमर तो 2000 की साड़ी पहनती है, तुम गंदी धोती से बाहर मत जाओ करो। वो ये भी कहता कि मैं इस गंदे से घर में नहीं रह सकता इसलिए मैं अपने बंगले रहने जा रहा हूँ। यह कहकर वो बिल्कुल एक बड़ी उम्र के शख्स जैसे सूटकेस निकाल कर अपने कपड़े पैक करने लगता। झोला अपने छोटे छोटे कपड़ा भरे और चल रहे। जब घर वाले उसे डांट लगाकर रोकते तो वो उन्हें घर से भाग जाने की धमकी देता। वो नॉर्मली कहीं पर पैदल या बस से जाने को तैयार नहीं होता और बोलता कि उसको सिर्फ अपनी कार से ही चलने की आदत है। टीटू अपने 6 भाई-बहनों में सबसे छोटा था। उसका इस तरह का बर्ताव माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन चुका था। माँ को माँ नहीं समझता है, पापा को पापा नहीं समझता है, भाइयों को भाई नहीं समझता है और हमेशा इसी रट में लगा रहता है कि मैं आपके यहाँ तो दिन काट रहा हूँ। इसलिए उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे अशोक से इन सब बातों की सच्चाई पता करने को कहा। आखिर ये सब बातें कहां से आ रही थी? क्या ये टीटू का एक इमेजिनेशन था या कोई उसे ये सब सिखा रहा था? इन सब बातों में कितनी सच्चाई है इसको परखने के लिए टीटू का भाई अशोक अपने एक दोस्त के साथ गांव से आगरा के सदर बाजार की ओर चल पड़ा, क्योंकि टीटू अक्सर यही बोलता था कि उसके सुरेश रेडियो नाम से वहां पर एक दुकान है। अशोक और उसका दोस्त वहां पहुंचकर इस नाम से दुकान को ढूंढते रहे लेकिन ऐसे नाम की दुकान ना मिलने पर ये जगह थक कर बैठे ही थे कि अशोक की नजर एक बोर्ड पर पड़ी, सुरेश रेडियोस, वही नाम जिसका जिक्र टीटू करता रहता था। अशोक चौंक गया। क्या टीटू की कहीं बाकी सारी बातें भी सच थी? क्या टीटू सुरेश का ही पुनर्जन्म था या फिर यह कोई इत्तेफाक था? वेलकम टू द शो, माय नेम इज शाश्वत and you are watching The Case of T2 Singh. 1983, Agra.
सुरेश आगरा का एक बिजनेसमैन था जिसकी सदर बाजार में सुरेश रेडियोज नाम से इलेक्ट्रॉनिक की शॉप थी। सुरेश का आगरा में एक बंगला था जिसमें वो अपनी वाइफ उमा, दो बच्चे, माँ बाप और भाइयों के साथ रहता था। 28 अगस्त 1983 टीटू के जन्म से 4 महीने पहले शाम के वक्त सुरेश अपनी सफेद फिएट कार से घर को वापस लौट रहा था, जहां पर पहले से ही दो बदमाश घात लगाए बैठे थे। सुरेश ने गाड़ी अपने घर के गेट के सामने रोककर हॉर्न बजाया ही था, कितने में उन दो बदमाशों ने उस पर गोलियां चला दी। गोली का शोर सुन जब तक घर वाले भागकर बाहर आ पाते तब तक सुरेश की जान चली गई थी। गोली कनपट्टी के दाई तरफ लगी थी। बाद में सबने कहा सुरेश की गाड़ी की स्टेपनी खराब हो गई है, मगर जब गोलियों की आवाज थी। दोनों बदमाश मौके से भाग गए थे। सिंस ये बात 1983 की है, सो उस वक्त आज के जैसे इतने ज्यादा लोग नहीं होते थे, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, और तो और घटना शाम की थी, इसलिए ऐसा एक भी गवाह नहीं मिला जिसने इनमें से किसी एक बदमाश को देखा हो। लिहाजा बिना किसी को सजा हुए पुलिस ने इस केस को क्लोज कर दिया। सुरेश जा चुका था, दो बच्चे, बूढ़े माँ बाप और घर चलाने की जिम्मेदारी अब उसकी पत्नी उमा पर थी, इसलिए अब सुरेश की जगह उमा शॉप संभालने लगी। अब चलते हैं यहाँ से 5 साल आगे 1988 में, उसी दिन जहाँ टीटू का भाई अशोक उसी शॉप के आगे हैरान खड़ा हुआ था। अशोक शॉप के अंदर जाता है जहाँ उसे एक लेडी मिलती है। पता चलता है कि वो सुरेश की वाइफ उमा है। अशोक उनसे कहता है कि वो सुरेश से मिलना चाहता है, जिस पर उमा पूरा किस्सा बताती है। अशोक के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि जो जो उमा ने बताया वो सारी बातें टीटू बोला करता था। वाइफ का नाम, बच्चे, दुकान का नाम, डेथ का कॉज, सब कुछ एज इट इज। कभी कभी सच इतना भारी हो जाता है कि वो आसानी से हजम भी नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ सुरेश की वाइफ उमा ने अशोक से उसका परिचय पूछा कि वो आखिर है कौन और उसको सुरेश से क्या काम था। अब बारी थी उमा के शॉक्ड होने की। अशोक ने बताया कि वो आगरा से 17 किलोमीटर दूर बाड़ गांव में रहता है। उसने अपने यहाँ आने की पूरी वजह डिटेल में बताना शुरू की। इन सब बातों पर यूं ही विश्वास करना आसान नहीं होता है, और वही उमा के साथ भी हुआ। उमा ने कहा कि हो सकता है टीटू ने न्यूज़पेपर में ये सब पढ़ लिया होगा, क्योंकि ये उस वक्त का सबसे बड़ा केस था। इस पर अशोक ने कहा कि वो ये सब तब से बता रहा है जब उस उम्र के बच्चे ठीक से बोलना नहीं सीख पाते। अब ये उमा के लिए एक अजीब सी सिचुएशन थी। वो एक तरफ क्यूरियस भी थी, वहीं दूसरी तरफ मन में उठ रहे ढेरों सवाल से कंफ्यूज भी। उमा ने अपने सास ससुर यानी सुरेश के पेरेंट्स को पूरी बात बताई, वो भी शॉक, लेकिन एक तरफ ये सोचकर खुश भी कि उनका बेटा वापस आ गया है। अशोक ने सच को और पुख्ता करने के लिए सुरेश के परिवार वालों से अपने घर बाड़ गांव चलने के लिए कहा। अशोक ने कहा कि बिना बताए अचानक घर चलकर देखते हैं कि टीटू आप लोग को देखकर पहचान पाता है या नहीं, और आप भी उससे अपने सवाल जवाब कर लेना। बेचैनी, घबराहट, क्यूरियोसिटी जैसे अनेक इमोशंस दिल में लिए सुरेश के घर वाले अशोक के साथ टीटू से मिलने चल दिए। वही टीटू जिसमें शायद उनको अपना सुरेश दोबारा देखने को मिल जाए। उस टाइम टीटू खाना खा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे पर खड़े सुरेश के परिवार वालों को देखा, वो भागता हुआ उनके पास पहुंचा और सबके गले लग गया। वो जोर जोर से बोलने लगा, देखो मेरे माँ बाबूजी आ गए। अपने माँ बाप को बुलाकर लाया और सुरेश के पेरेंट्स को अपने असली माता पिता बताने लगा। उमा आई, पापा जी आए, माता जी आई। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उमा पर पड़ी वो शर्मा गया। एक 5 साल का बच्चा अचानक एक एडल्ट मेल की तरह एक्ट करने लगा। उसने उमा को इशारे से अपने बगल में बैठने के लिए बुलाया और बच्चों का हालचाल लेने लगा। टीटू ने उमा से डोलपुर के मेले से जुड़ी कुछ बात की, जिसे सुनते ही उमा हैरान हो गई, क्योंकि ये सब बातें सिर्फ सुरेश और उमा के बीच ही हुई थी। मिलने के बाद जब सब वापस जाने लगे तो टीटू ने देखा कि बाहर मारुति कार खड़ी थी जिससे सुरेश की फैमिली आई थी। मारुति कार देखते ही उसने पूछा कि मेरी फिएट कार कहाँ है, जिस पर उसे पता चला कि सुरेश की डेथ के बाद घर वालों ने वो कार बेच दी थी। टीटू बड़ी स्टाइल से कार के अंदर बैठा, खुद से कार का म्यूजिक सिस्टम ऑन किया, और इतना ही नहीं सुरेश के भाई की हेल्प से थोड़ी दूर तक कार ड्राइव भी कर ली। हैरानी की बात यह, टीटू ने इससे पहले कभी कार देखी नहीं थी और उस वक्त तो इतनी गाड़ियां भी नहीं होती थी, लेकिन ये देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके लिए ये सब नया नहीं है। टीटू ने सोचा कि अब वो भी उनके साथ आगरा जा रहा है, लेकिन जैसे ही उसे समझ आया कि वो लोग उसे अपने साथ नहीं ले जा रहे, वो बुरी तरह भड़क गया। अपनी माँ पर चिल्लाने लगा, अपने पिता से हाथापाई करने लगा। वो भागकर सुरेश के फादर चंदा सिंह के गले लग गया, क्योंकि उसके दिल में वही उसके असली पिता थे। फिर
उन्होंने उसे प्यार से समझाया और वादा किया कि वो जल्द ही उससे मिलने आएंगे। उसी के बाद एंड में ये डिसाइड हुआ कि अब एक दिन टीटू को आगरा बुलाया जाए ताकि वो अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज को कन्फर्म कर सके। टीटू ने ना सिर्फ दावे के अकॉर्डिंग अपने पिछले जन्म के माँ बाप पहचान लिए थे बल्कि अपनी पत्नी और उससे की गई पर्सनल बातें भी डिस्क्लोज कर दी थी। इससे ये डाउट तो काफ़ी हद तक मिट गया था कि यह सब जानकारी उसे कहीं से पढ़कर नहीं मिली, लेकिन दूसरी तरफ इससे टीटू के माँ बाप की चिंता और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। एक माँ बाप के लिए इससे बुरा क्या होगा जब उनका बच्चा किसी और को अपने माता पिता मानने लगे। एक मिक्स्ड फीलिंग से वो जूझ रहे थे, मन में सवाल आ रहे थे। हम तो सर हैरान है इसलिए, जब मान लो बड़ा हो गया तो उसके बाद में हम लोगों से संबंध ही बिल्कुल खत्म कर देगा। टीटू को आगरा लाया गया, लेकिन उसके पहले ही टीटू के सच को परखने के लिए कुछ प्री प्लानिंग कर ली गई थी। टेस्ट वन, कार में बैठकर आते हुए टीटू को मिसलीड करने के लिए सुरेश के भाइयों ने गाड़ी दुकान पर नहीं रोकी बल्कि शॉप के सामने से तेजी से निकल गए, ये देखने के लिए कि वो जगह पहचान पाता है या नहीं। जैसे ही गाड़ी दुकान के सामने से गुजरी उसने जोर से आवाज लगाई, रोको रोको, मेरी दुकान तो पीछे ही रह गई है, तुम आगे कहाँ चले जा रहे। उसने वो जगह, रास्ता, मार्केट, दुकान कार के अंदर बैठे बैठे ही पहचान लिया था, वो भी तब जब कार इतनी तेज चल रही थी। ये वही कर सकता था जो बरसों से उन रास्तों से हजारों बार गुजरा हो। अब बारी थी टीटू को शॉप के अंदर ले जाने की। टेस्ट टू, टीटू दुकान के अंदर एंट्री करता है लेकिन उसकी चाल, बॉडी लैंग्वेज एक 5 साल के बच्चे की नहीं एक शोरूम के मालिक की जैसी हो गई। उमा ने देखा वो जिस तरह से स्टूल पर बैठा, उसके हाथ चलाने का तरीका सब हूबहू सुरेश जैसा ही था। इतना ही नहीं, उसने ये तक पहचान लिया कि दुकान का कौन सा हिस्सा रेनोवेट किया गया है और कौन सा हिस्सा उसके यानी सुरेश के जिंदा रहते एज इट इज था। रिजल्ट पास, टीटू के लिए एक आखिरी इम्तिहान और बाकी था, टेस्ट थ्री। दुकान के बाद टीटू को सुरेश के घर लाया गया, लेकिन उसके आने से पहले सुरेश के दोनों बच्चों को घर के बाहर मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने के लिए भेज दिया गया। लेकिन यहां पर भी टीटू फेल नहीं हुआ, उसने उन मोहल्ले के बच्चों के बीच सुरेश के दोनों बच्चों को पहचान लिया। रिजल्ट पास, सभी के लिए इतने सारे एविडेंसेस काफी थे ये मानने के लिए कि टीटू सिंह ही सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, मीडिया में यह केस हर जगह छा गया था। इसकी जानकारी डीयू के प्रोफेसर एनके चड्ढा को मिली। प्रोफेसर चड्ढा डॉक्टर इयान स्टीवेंसन के साथ रिसर्च टीम में थे। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के एक वेल नोन एंड हाई रिस्पेक्टेड प्रोफेसर थे जो रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म पर की गई साइंटिफिक रिसर्च के लिए फेमस थे। उन्होंने पुनर्जन्म के ऊपर काफी सारी बुक्स भी लिखी थी। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन के एडवाइस पर एंटोनिया मिल्स जो एक रिसर्चर और उनकी कलीग थी, टीटू के केस को क्लोजली स्टडी करने लगी। सुरेश की फैमिली ने बताया था कि जो सुरेश का नेचर था वो काफी एग्रेसिव और शॉर्ट टेम्पर्ड था, छोटी छोटी बातों पर वो लड़ाई झगड़ा कर लेता था। डॉक्टर मिल्स ने नोटिस किया कि टीटू का नेचर भी इसी तरह का होता जा रहा था। एक बार डॉक्टर मिल्स टीटू के साथ मार्केट चूड़ी लेने गई थी, वहां पर उसने दुकानदार को धमकी दे डाली और उससे कहा कि एंटोनिया उसकी दोस्त है तो गलती से भी उनसे पैसे ना मांग लेना। इस इंसिडेंट का जिक्र डॉक्टर मिल्स ने अपने रिसर्च पेपर में भी किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या टीटू को सुरेश के कातिलों के बारे में पता था, क्या उसने उनका चेहरा देखा था जिसने उसकी पिछले जन्म में जान ली थी। तोरण सिंह उर्फ टीटू, एक 5 साल का बच्चा, अब ऐसे खुलासे करने वाला था जिसने मीडिया जगत में आग लगा दी। टीटू ने बताया कि 28 अगस्त 1983 की शाम जिस दिन उसको गोली मारी गई, उसने उन दो बदमाशों में से एक का चेहरा पहचान लिया था और वो शख्स कोई और नहीं, उसी का यानी सुरेश का ही एक साथी बिजनेसमैन था। अच्छी बात यह थी कि आगरा पुलिस ने इस केस को सीरियसली लिया। पुलिस ने टीटू के बयान के आधार पर उस आदमी को उठा लिया और सख्ती से पूछताछ की, जिस कारण उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। इस कबूलनामे के आधार पर 1983 सुरेश वर्मा मर्डर केस को रीओपन किया गया। ये पहली बार था जब पुनर्जन्म से जुड़ा कोई केस कोर्ट में आया था। गवाही के लिए टीटू को बुलाया गया, उसने भी कोर्ट में पूरा इंसिडेंट डिटेल में बताया। केस के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट थे पोस्टमार्टम एंड बर्थमार्क रिपोर्ट। सुरेश के सर पर जिस तरह गोली मारी गई थी उसी तरह दो निशान टीटू के सर पर मिले। जब उसके बाल हटाए गए तो पाया गया कि उसके सर में बिल्कुल वैसे ही दो निशान थे जिसका साइज और शेप सुरेश के सर पर लगी बुलेट के एंट्री और एग्जिट वुंड से मिलता था।
डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने अपनी रिसर्च में मेंशन किया है कि बर्थमार्क और पास्ट लाइफ की इंजरीज के बीच कनेक्शन होता है, और यही मान्यता हिंदू धर्म में भी है। कोर्ट में डॉक्टर एंटोनिया मिल्स के T2 से जुड़े रिसर्च पेपर भी सबमिट किए गए। इन सभी सबूतों के आधार पर आगरा कोर्ट ने ये मान लिया कि T2 ही सुरेश का पुनर्जन्म है और सुरेश के कातिलों को सजा हुई। यह एक रिवॉल्यूशनरी और कंट्रोवर्शियल जजमेंट था जो उस वक्त हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में छा गया था। उन अपराधियों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिसकी जान लेकर वो बच निकले थे वो दोबारा जन्म लेकर फिर लौटेगा उनको उनके किए की सजा दिलाने। अब एक आखिरी बड़ा सवाल, क्या T2 अपने पिछले जन्म वाले माता पिता के पास चला गया या फिर उसने अपने इसी जन्म के माँ बाप को ही अपना माना? सुरेश भले ही T2 के रूप में वापस आया था लेकिन वो सुरेश तो नहीं था। माना आत्मा वही थी लेकिन शरीर तो एक बच्चे का था। ना उमा के लिए वो उसका हस्बैंड रह गया था और ना ही उसके बच्चों के लिए वो एक पिता। सुरेश के फादर भी जानते थे कि अगर मुंह में उन्होंने T2 से नजदीकियां बढ़ाई तो T2 के माँ बाप जीते जी अपने बेटे से दूर हो जाएंगे, और एक बेटे को खोने का दर्द वो पहले से ही जानते थे। दोनों परिवार अपनी अपनी जिंदगी में वापस लौट गए। T2 ने भी दोहरी यादों के साथ अपने बचपन को जिया और अपने गांव में रहकर ही पढ़ाई लिखाई की। आज T2 सिंह, जिनका असली नाम तोरण सिंह है, BHU में असिस्टेंट प्रोफेसर है और उनको आज भी सब कुछ याद है। वो अक्सर आगरा अपने पिछले परिवार से मिलने भी जाते हैं। आज उनका मानना है कि हम दोहरी जिंदगी नहीं जी सकते, जो कल बीत गया सो बीत गया और जो बाकी है वो है हमारा आज। पुनर्जन्म का ये अनोखा केस हमें सिखाता है कि लाइफ एक सीधी लकीर नहीं, एक सर्कल है जहां शुरुआत और अंत एक जगह आकर मिल ही जाते हैं। तो ये था आज का केस। प्लीज राउंड को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें ताकि हम यूं ही और डॉक्यूमेंट्रीज आपके लिए लाते रहें। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें। जल्दी मिलते हैं अगले केस के साथ।